दिल्ली में इन दिनों नेताओं को चोर जमकर निशाना बना रहे हैं। पिछले दिनों उस वक्त हड़कंप मच गया था जब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की नीली वैगनार कार दिल्ली सचिवालय से चोरी हो गई थी। हालांकि बाद में ये कार यूपी में गाजियाबाद के मोहन नगर में लवारिस हालत में खड़ी मिली, लेकिन इस मुद्दे को लेकर सियासी घमासान मच गया था, जिसके बाद अब खबर है कि दिल्ली में भाजपा के एक दिग्गज नेता का आईफोन चोरी हो गया है। ये दिग्गज नेता कोई और नहीं बल्कि भाजपा सांसद और दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी हैं। दरअसल मनोज तिवारी का आईफोन रामलीला मैदान में चीनी सामान के खिलाफ आयोजित एक रैली से चोरी हो गया है, जिसके बाद उन्होंने दिल्ली पुलिस को इसकी रिपोर्ट कर दी है। इस दौरान मनोज तिवारी ही नहीं बल्कि उनके पीए का भी पर्स भी चोरी हुआ। इसके अलावा कुछ अन्य लोगों के भी पर्स चोरी होने की शिकायत दर्ज हुई है। न्यूज़ एक्सप्रेस की रिपोर्ट।